राजू जी खाना कैसे लिए पूरा कर हिसाब से खाया ना ज्यादा मतलब बार बार चलो ठीक है ठीक है। चलिए अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने आलू चाट और बगल में ठंडा रखा हुआ है, मतलब ठंडा चाट का आज चैलेंज लगने वाला है। और यह ठंडा चाट का चैलेंज कैसे लगेगा, आइए हम पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आलू चाट और सोडा की गिलास भर के रखी गई है। तो आज हमारा आलू चाट और सोडा का कपल चैलेंज है। और इस चैलेंज में जो भी व्यक्ति मतलब सबसे ज़्यादा एक चाट खाना है, फिर उसके बाद ठंडे पे जाना है, फिर चाट आलू चाट खाना है, फिर ठंडे पे जाना है, मतलब इस तरह से जितनी ज़्यादा प्लेटें खा लेंगे और जितना ज़्यादा ठंडा फिनिश कर लेंगे, मतलब आलू चाट खा लिए ठंडा फिनिश कर लिए, तो मतलब एक आलू चाट खा लिए ठंडा फिनिश कर लिए 100 रुपये बन गया, दूसरा खा लिए और एक ठंडा पी लिए 200 रुपये बन गया। इस तरह से मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा आलू चाट खा करके ठंडा पिएगा उतने 100 रुपये की इनाम की राशि पाएगा। और देखते हैं इस चैलेंज में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड बना करके कितने 100 रुपये की राशि ले जाता है। देख रहे हैं पहले चैलेंजर के रूप में भैया जी आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? पंडित दामोदर पुरवा जी से आए हुए हैं पंडित जी। तो चलिए देखते हैं कि भैया जी कहाँ तक ले चलते हैं हमारे टारगेट को। तो टाइमर चालू कर दीजिए, टाइमर चालू हो चुका है, बहुत बढ़िया सही कर रहे हैं। खाते रहिए चम्मच और चाट से झगड़ा कर रहे हैं इस समय, एक बहुत उससे खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। पंडित जी और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, चलिए ठंडा खा लीजिए, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ठंडा पीते रहिए चाट खाते रहिए। और इस समय देख रहे हैं चम्मच कितना टारगेट बना पाते हैं चम्मच का प्रयोग करते हुए। पैसा नहीं लगता भैया, आइए भैया स्कीम समझ लीजिए, पैसा कोई नहीं लगेगा, फ्री में है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत गजब बहुत गजब। लगता है 3-4 प्लेट का टारगेट बना ही देगा। और यहाँ पर सब्जी बेचते हैं बड़ौरा बाजार में भाई साहब, और बहुत बढ़िया सब्जी मतलब रखते हैं, ताजी ताजी बहुत हरी हरी ताजी ताजी मस्त मस्त सब्जियां बेचते हैं। और ये देखिए और 3 ठंडा बहुत गजब, अभी कह रहे थे यही पर कह रहे थे कि एक प्लेट खा ही लेंगे लेकिन देखिए समाप्त, टाइम समाप्त हो गया, 3 प्लेट चाट और खत्म हो गया, 3 ठंडा खत्म हो गया। और भाई साहब आए हौसला दिखाए, भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। और 4 प्लेट के करीब पहुंच चुके थे। चैलेंजर के रूप में नीलेश जी आए हैं जो कि मऊ दोस्तपुर की धरती से चलकर आए हुए हैं। और यहां पर जो चाट और ठंडा रखा गया है, देखते हैं सबसे ज़्यादा खाकर रिकॉर्ड बनाते हैं या चाट खाकर चले जाते हैं। हाँ। चलिए पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए, शुरू हो जाइए। टाइमर चालू हो चुका है नीलेश जी के लिए और नीलेश जी खाना चालू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। और ये देखिए उसमें ज़्यादा मत छोड़िएगा और प्लेट में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, बहुत गजब नीलेश जी, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं नीलेश जी टारगेट को, और देखते हैं कितनी प्लेट का रिकॉर्ड बनाते हैं। और इसके पहले जैसे कि आप लोग देख रहे थे पंडित जी आए थे दामोदर के पूरा से, बहुत बढ़िया, तो लगभग 4 प्लेट बहुत बढ़िया चाट खा लिए थे। हाँ। और देखते हैं नीलेश जी उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड टूट गया है उनका, बहुत बढ़िया। और लेकिन अब ये कितने का रिकॉर्ड रखते हैं ये देखिए, अब देखते हैं नीलेश जी कहाँ तक जाते हैं, बहुत बहुत गजब बहुत गजब। और जो चैलेंज आज लगा हुआ है बहुत नंबर एक का चैलेंज लगा हुआ है, ठंडा चाट खाने का चैलेंज है। हाँ। गरम चाट नहीं ठंडा चाट आज जाते हैं भैया, कहते हैं गर्म चाट दे है ठंडा ना दे है, लेकिन यहाँ पर ठंडा चाट रखा हुआ है। और इस समय आपके पास केवल 5 सेकंड बचा हुआ है, बहुत बढ़िया ठंडा, बहुत बढ़िया, टाइम समाप्त हो गया। और नीलेश जी का 5 चाट कंप्लीट हो गया है, मतलब 6 चाट खा लिए हैं ठंडा नहीं पी पाए। आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आए, क्या नाम है आपका? सुदर्शन। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौरा। बड़ौरा से ही चलकर आए हैं सुदर्शन जी, आवाज इनकी बिल्कुल बहुत स्लो है और देखते हैं चैलेंज कितना फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं। शुरू हो जाइए, ठीक है टाइमर चालू कर दीजिए सुदर्शन के लिए, सुदर्शन चालू करिए खाना। और ये देखिए सुदर्शन खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और मजा ले रहे हैं, खा चैलेंज में नहीं खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है खा रहे हैं अपने हिसाब, अपने हिसाब से बहुत 100% दे रहे हैं। और जितनी स्पीड है उतनी उसी हिसाब से खाएंगे, हम कोई ये नहीं कहेंगे भैया ठंडा बहुत गिरा रहे हैं, भैया आराम से खाइए भैया, खत्म करिए पूरा समाप्त करने, नहीं तो आधा छोड़ दो, आधा खाओ आधा पियो। और अगला अगर ऐसे गिराएंगे तो आप डिक्वालीफाई हो जाएंगे, बहुत बढ़िया शाबाश।
और देखते हैं कितना आलू चाट खा करके कितने ठंडा पी पाते हैं। जैसे कि सुदर्शन को देख रहे हैं, इस समय अपने टी शर्ट पे बाहुबली का फोटो लगा के आए थे, सोच रहे थे कि बाहुबली ही जिता देगा, बहुत बढ़िया, लेकिन खुद बाहुबली बनना पड़ेगा चैलेंज में, बहुत बढ़िया। और तीन गिलास तीन आलू चाट खा चुके हैं और तीन ठंडा भी पी चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुदर्शन जी, बहुत गजब। और देखते हैं कितने आलू चाट खा पाएंगे। और ये बड़ौरा के धरती के निवासी हैं, बहुत बढ़िया, समय समाप्त हो गया। और भाई साहब आए, हौसला दिखाए, भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं अगले चैलेंजर कौन आते हैं और कितना आलू चाट खा करके कितने ठंडा पी कर जाते हैं। अगले चैलेंजर के रूप में आ चुके हैं भाई साहब, क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सराय खानदेव की धरती से चलकर आए हैं अनिल कुमार जी, एकदम सीना तान कर खड़े हो चुके हैं चाट से झगड़ा करने के लिए। तो देर न करते हुए अनिल जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए, टाइमर चालू हो चुका है अनिल जी। और अनिल इस समय टूट पड़े हैं चाट पर, बहुत गजब। और हमारा ये चैलेंज दुबई से, मतलब सऊदीया से देखते थे भाई, सऊदी रिटर्न है, सऊदी में देखते थे चैलेंज, आज चैलेंज एक्सेप्ट किया, सोच रहे थे कि आज हम खुद चैलेंज में और देखते हैं कि भाग लेंगे, तो कितना, बहुत गजब, आगे जाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और 23 सेकंड में तीन प्लेट चाट खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया। खा अनिल जी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत गजब, सही जा रहे हैं, खाइए पिए, बहुत बढ़िया, बोला ना। और खाने पीने से ज्यादा नहा रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कितनी प्लेट आलू चाट खत्म कर पाते हैं और ठंडा पी पाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश अनिल जी, शाबाश शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए, हमको लग रहा है नीलेश जी से टाई अप कर लेंगे, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, स्पीड मारिए, स्पीड मारिए, स्पीड। और ये रहा नीलेश जी का टारगेट, ठंडा रह गया थोड़ा सा, और नीलेश जी के बरोबर पहुंच गए हैं अनिल जी भी, अनिल जी भी, जैसे नीलेश जी का थोड़ा सा ठंडा रह गया था वैसे अनिल जी का भी ठंडा रह गया, और नीलेश जी के टक्कर में आ गए हैं, दोनों टाई हो गए हैं। और देखते हैं अगले चैलेंजर कौन आते हैं, इनसे आगे नहीं जाते तो इनाम की राशि आधी आधी दोनों लोगों को मिलेगी। तो जैसे कि देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में महाबली यसीम जी आ चुके हैं, तो देखिए यसीम जी कहां तक टारगेट को ले जाते हैं, अनिल को पीछे करते हैं, नीलेश को पीछे करते हैं कि खुद पीछे रह जाते हैं। तो चलिए पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए, शुरू हो जाइए, टाइमर चालू हो चुका है, बहुत गजब। और यसीम जी इस समय चाट से झगड़ा कर रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, बहुत गजब, बिल्कुल प्लेट को साफ करते रहिए, बहुत बढ़िया। और देखते हैं यसीम जी कितनी प्लेट का टारगेट देते हैं, बहुत बढ़िया। यसीम जी ध्यान दीजिए प्लेट पे, प्लेट पे ध्यान दीजिए, इसलिए कि ज़्यादा चाट रहना नहीं चाहिए। हाँ। और जैसे कि अभी देखे हैं नीलेश जी और अनिल जी आए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया, आधा समय अभी नहीं हुआ और आधा टारगेट बीट कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। और हमको लग रहा है यसीम जी नंबर वन पे चले जाएंगे, बहुत बढ़िया, और यसीम जी हमको लग रहा है 8 का टारगेट देंगे, बहुत गजब। और देखते हैं 40 सेकेंड आप खर्च कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। और चार प्लेट, पांचवी प्लेट खा लिए ना, पांच प्लेट खा चुके हैं और छठवें नंबर लगा लिए हैं, बहुत बढ़िया। और ये रिकॉर्ड भाई टाई होने वाला है, हमको लग रहा है टाई नहीं होने वाला है, पूरा हो गया है। और यसीम जी आए 6 प्लेट चाट खा करके 6 ठंडा फिनिश कर लिए, और देखते हैं अगले चैलेंजर कौन आते हैं और यसीम जी का नंबर काट पाते हैं या नहीं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नीलेश और अनिल दोनों लोगों का जो है राजू जी लिए पूरा कर, सबसे बड़े पहलवान राजू जी एकदम कमर बांध कर आए हुए हैं यहाँ चैलेंज में, और चाट और ठंडा का चैलेंज स्वीकार किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजू जी कहाँ तक ले जाते हैं। तो फोन शुरू, टाइमर चालू कर दीजिए, और टाइमर चालू हो चुका है। और कितना लड़ पाते हैं, कमर कस के आए हैं, तो कमर कस के आए हैं, किस प्लेटफार्म से किस प्लेटफार्म तक जाते हैं, बहुत गजब। और राजू जी आए हैं, पूरी साहस दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और 2 प्लेट गिराइए मत ज्यादा राजू जी, ठंडा ज्यादा मत गिराइए नहीं तो फाउल हो जाएंगे, बहुत गजब, सही चल रहे हैं राजू जी, बहुत बढ़िया। और देखते हैं राजू जी आए हैं तो कितना साहस दिखाते हैं और कितनी प्लेट का टारगेट खत्म कर पाते हैं, 3 प्लेट और 3 ठंडा खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी वसीम जी बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं थोड़ा बहुत गिरे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो गिरना ही है लेकिन ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, बहुत गजब राजू जी, बहुत गजब कर रहे हैं आप, बहुत। और लग रहा है कि वसीम जी भी पीछे जाने वाले हैं, नीलेश जी भी पीछे जाने वाले हैं, बहुत बढ़िया, और जाने वाले ही नहीं हैं चलेंगे, बहुत गजब राजू जी, आपके लिए तालियां भी रही है, और ये रहे बराबर टाई कर लिए हैं, और 7 प्लेट का रिकॉर्ड बना दिए हैं राजू जी,
और देखते हैं चैलेंजर के रूम में कौन आते हैं, राजू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं नहीं। और 7 प्लेट 7 ठंडा बिल्कुल फिनिश कर लिया है और 2-3 सेकंड का समय बिताया, अगर चाहते तो राजू जी और प्लेटें खा सकते थे। पवन जी हम चाहेंगे कि देर न करते हुए विक्रम जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए, और टाइमर चालू होते ही विक्रम जी टूट पड़े हैं, पूरी प्लेट एक ही बार में साफ कर दिए हैं। ये गजब टारगेट लेकर चल रहे हैं, 4 सेकंड में अगर जिस तरह खाए हैं उसी तरह सभी प्लेटें साफ होगी तो मान के चलिए 9 का टारगेट आएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। और देखते कितने प्लेट का टारगेट बना पाते हैं विक्रम जी, बहुत बढ़िया। और टारगेट बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। आपको देखकर सभी दर्शकों की निगाहें जम गई है आपके ऊपर विक्रम जी। देखते हैं कितने प्लेट का रिकॉर्ड बनाते हैं, तोड़ पाएंगे या नहीं। अभी सबसे आगे चल रहे हैं कौन, राजू जी। आगे राजू जी चल रहे हैं जो कि बड़ौदा की धरती से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया। और देखते हैं कितनी प्लेट खा पाएंगे विक्रम जी। और विक्रम जी थोड़ा सा आप समय नहीं देख पाए, ठीक है चलिए अभी भी समय को कवर किया जा सकता है। अपने हिसाब से 100% कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जा जो हाँ अपने हिसाब से करते रहिए। बहुत बढ़िया। और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और विक्रम जी चिट्टा मार रहे हैं यार, समय समाप्त हो गया। और विक्रम जी राजू जी से थोड़ा सा पीछे रह गए, लगता है अंदर से चार्ट ओवर हो गया और वो इंडिकेटर दे रहा था तभी टाइम समाप्त हो गया। और विक्रम जी आए, हौसला दिखाए, विक्रम जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं और राजू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं नहीं। तो पवन के लिए टाइमर चालू करने चल रहे हैं, गजब टाइमर चालू हो चुका है। बिल्कुल उतावले हो गए हैं, चैलेंज पहले टूट ही पड़े हैं। बहुत और ये देखिए पहला चार्ट हमारे चैलेंज को समाप्त हो चुका है, जैसे कि अभी राजू जी को पछाड़ पाते हैं नहीं। अभी जितने चैलेंजर आए थे 4 सेकंड 5 सेकंड में एक चार प्लेट खा रहे थे, लेकिन आराम से खाइए पवन जी और देखते हैं कितनी प्लेट खा पाते हैं। बहुत बढ़िया। और पवन जी जितने भी चैलेंज में आते हैं अपना 100% देते हैं। बहुत बढ़िया। और गुस्से में चम्मच को निकाल रहे हैं, गुस्से में फेंक रहे हैं कि समय बहुत तेज भगा जा रहा है लेकिन हम भाग नहीं पा रहे हैं, समय के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं समय। और देखते हैं पवन जी कितने प्लेट का टारगेट। और पवन जी आप ज्यादा चाट जो है प्लेट में निकाल, थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस समय जैसे आप देख रहे हैं समय समाप्त होने वाला है, और समय समाप्त हो गया लेकिन राजू जी को पिछाड़ नहीं पाए हैं। पवन जी आए हैं और राजू जी को पिछाड़ नहीं पाएंगे हैं, तो राजू जी आएंगे अपना इनाम की राशि तुरंत कैश लेकर जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी राजू जी की पगड़ी जो है कमर पे थी, अभी सर पे आ गई है, मतलब जो चैलेंज था वो राजू जी जीत चुके हैं, 7 प्लेट और 7 ठंडा फिनिश कर लिए हैं। तो इस हिसाब से राजू जी को 700 रुपए इनाम कैश तुरंत दे रहे हैं हम। तो जैसे कि पवन जी कहते हैं कि कमर कस के उतरो, हाँ, तो कमर कस के उतरे हैं, सर बांध के जा रहे हैं, हाँ। बहुत गजब। तो पैसा पा गए हैं आप? हाँ, कितना पैसा है? 700 रुपए मिल गया ना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। तो एक बार हम चाहेंगे कि राजू जी के लिए जोरदार ताली बजा दी जाए, और इस समय ताली बज रही है और यहाँ पर अपार दर्शक खड़े हुए हैं, लेकिन इस तरफ के लोग बहुत कम ताली बजाए। एक बार ताली बजा दीजिए भैया, बजाए हैं आप उधर, ताली बज चुकी है, बजाए हैं सब लोग ताली। और राजू जी आए, हौसला दिखाए, राजू जी का धन्यवाद करते हैं और अगले चैलेंज में भी राजू जी का स्वागत करते हैं और इस चैलेंज को यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।